नमस्कार, यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यह खबर है, बदलापुर तहसील क्षेत्र के गजेंद्रपुर गांव निवासी सुनील मिश्रा ने पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए आरोप लगाए हैं कि फोन पर हमें एक अधिवक्ता सहित उसकी प्रेमिका ने गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी, जिसकी ऑडियो के आधार पर खुटान पुलिस ने दोनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें कि वायरल ऑडियो में अपने आप को एडवोकेट राजनाथ यादव सिविल कोर्ट जौनपुर व विजय लक्ष्मी नाम बताते हुए भद्दी भद्दी गालियां देते हुए सुनील मिश्रा को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई है। राजनाथ यादव अपनी प्रेमिका विजय लक्ष्मी के साथ मिलकर लोगों को फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर सुलह के नाम पर धन उगाही का कार्य वर्षों से करते चली आ रही है। वायरल ऑडियो में अधिवक्ता राजनाथ ने ब्राह्मणों को गाली देते हुए यह भी कहा कि दीपक दुबे की हत्या मेरी वजह से हुई, मेरे द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर उसने आत्महत्या की। खुटहन थाना प्रभारी के चौबे ने बताया कि सुनील मिश्रा की लिखित तहरीर के आधार पर एडवोकेट तथा उसकी प्रेमिका विजय लक्ष्मी पर मुकदमा दर्ज करते हुए ऑडियो की जांच की जा रही है। यह खास रिपोर्ट थी कैमरामैन कृष्णा के साथ जिला ब्यूरो धर्मेंद्र शर्मा की। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। धन्यवाद। मैं ड्यूटी से रात को आ रहा था शाम को और विजय लक्ष्मी मेढ़ा की हैं, उन्होंने फोन किया मेरे पास, बोले कि तुम गुंडा हो गए, कट्टा लेकर जाते आते हो। जैसा ऐसा कुछ नहीं, मैं नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ। और फिर राजनाथ यादव वो फोन ले लिए, वो कहने लगे कि जैसे मैंने वो दीपक दुबे को फंसाया था, फर्जी मुकदमे 200 मुकदमे कर दिया, इतना प्रताड़ित किया उसको, वो आत्महत्या कर लिया। और वो बहुत कुछ कह रहा था, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। दीपक दुबे को कैसे फंसाया ये सुनिए। एक मुलजिम माना गया था। अच्छा, अब मेरा पूछ, इतना पंडित है, इसका जब बोलिए मारे था ना, हमारे द्वारा मारी है। अब मतलब इतना टॉर्चर कर जैसे गोली मार ले तुम ना थे, तो करे पर 20 मुकदमियां कह रहे हम, कहे हमसे कहे रहा। इसी तरीके से मुझे भी फंसाने की कोशिश की जाएगी, और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे से वो कहे थे कि इतना मुकदमा कर दूंगा, तुम भी आत्महत्या कर लोगे। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि मेरी ऊपर फर्जी मुकदमे न लगे और मेरी जान की रक्षा करे। वो लोग मारने की धमकी भी दे रहे थे। और ब्राह्मण समाज से मैं अपील करता हूं कि मेरे प्राणों की रक्षा करें। और इसके मेन सूत्रधार मेरे षड्यंत्र हमारे गांव के ही राम कृपाल नाभिक के द्वारा रची जा रही है जी।